हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे आज के वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है और एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन वाली जगह पे आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जो कि काफ़ी सुंदर वातावरण, जहाँ का एकदम शांतिनुमा वातावरण है और बहुत ही पावन दरबार है जहाँ पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो साथियों वीडियो में बने रहें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं उस पावन स्थान पर जहाँ मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ। और आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मैं एक जंगल में खड़ा हुआ हूँ, तो जंगलों के बीच से होते हुए हम जा रहे हैं उस स्थान पर और बहुत ही सुंदर स्थान है वो। तो बने रहे वीडियो में और वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सरचापधर। जिनके हृदय में धनुर्धारी राम बसते हों उन राम भक्त हनुमान का समुच्चा व्यक्तित्व ही अनुपम और अद्वितीय है। सप्त चिरंजीवियों में से एक पवन सुत के भारत के साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भी काफ़ी मंदिर हैं। उनकी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, मगर अखिलेश्वर मठ जहां हम अभी जा रहे हैं उसकी बात ही निराली है। यहां पर आंजनेय हनुमान जी का ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस तरह का मंदिर अन्यत्र कहीं भी नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से करीब 45 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित यह अखिलेश्वर मठ ओखलेश्वर मठ भी कहा जाता है। यहीं पर प्रतिष्ठित है रुद्रावतार हनुमान जी की दुर्लभ प्रतिमा। सिद्ध हनुमान जी की यह प्रतिमा इसलिए दुर्लभ और अनूठी है क्योंकि इनके एक हाथ में शिवलिंग है, जबकि ज़्यादातर मूर्तियों के हाथ में द्रोणागिरी होता है। इस बारे में मान्यता है कि राम रावण युद्ध से पहले रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना के लिए हनुमान जी नर्मदा की सहस्त्रधारा धावड़ी घाट से शिवलिंग लेकर लौट रहे थे। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होने के कारण वे कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। हालांकि जब तक हनुमान जी शिवलिंग लेकर रामेश्वर पहुँचे तब तक वहाँ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी तमिलनाडु के धनुषकोटि में स्थापित है। इस क्षेत्र को पुनः सुर्खियों में लाने का श्रेय दिवंगत संत ओमकार दास जी महाराज को जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पुष्कर के निकट वामदेव की गुफा में कठोर तपस्या की थी, तत्पश्चात शिवजी के आदेश से ही वे अखिलेश्वर मठ आए थे। जिस समय वे आए थे उस समय यहाँ घना जंगल हुआ करता था, जंगली जानवर भी यहाँ काफ़ी संख्या में थे। उन्होंने कई वर्षों से जीर्णशीर्ण इस मंदिर को पूर्ण जागृत किया था। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ हनुमान जी को सिर्फ रोहिणी नक्षत्र में ही चोला चढ़ाया जाता है, जबकि अन्य मंदिरों में मंगलवार को शनिवार को चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जयंती की पूर्णिमा पर बजरंग बली का सहस्त्रधारा अभिषेक भी यहाँ पर होता है। ऐसे सिद्ध और चमत्कारी मंदिर में आज बाबा अखिलेश्वर के हम दर्शन करने आए हैं। चलिए साथियों हम चलते हैं मंदिर के अंदर, हम करेंगे मंदिर के अंदर प्रवेश और अधिक जो जानकारियाँ हैं वो भी हम साथ में आपको देते रहेंगे। तो अब हम करेंगे इस दिव्य स्थान पर बाबा के दर्शन, जहाँ पर कई वर्षों से रामायण पाठ भी चल रहा है सतत, जो कि निरंतर चलता ही जा रहा है। तो अब ये देखिए मंदिर परिसर में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये है बाबा का जीर्णोद्धार किया हुआ मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है बाबा का। यहाँ पर एक शिवजी का मंदिर भी स्थापित है, अभी हम वहाँ भी चलेंगे, आपको शिवजी का मंदिर भी दिखाएंगे, गौशाला भी चलेंगे, यहाँ पर गौशाला भी है उसमें भी चलेंगे। एक कुंड भी यहाँ पर स्थापित है, वो कुंड भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं अखंड रामायण पाठ जहाँ पर चल रहा है उस स्थान पर, जो कि सतत दिनांक 2 मई 1976 से चलता जा रहा है और आज भी निरंतर यहाँ पर रामायण पाठ चलता है। अरे चल सको परम ऊंचा हो गुरु ब्रह्म लेकिन पर ही लका हो जाए तमिल राम देव देगी रे जन को और चीप जाओ रे की चतुर्थ की लई कहा हो जाए। ये अब हम कुंड की ओर आए हैं, यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन कुंड भी स्थापित है, कुंड के दर्शन करेंगे। इसके बाद कुंड के एकदम सामने ही भगवान विष्णु जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर स्थापित है यह। और इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हम चलेंगे शिवालय, जो कि बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर स्थापित है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी द्वारा यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो चलिए हम चलते हैं और दर्शन करते हैं महादेव के भी।
ये हम आ चुके हैं महादेव के मंदिर। अब हम करेंगे बाबा महादेव का दर्शन जो कि श्री कृष्ण जी के हाथों स्थापित किए गए हैं। बोल महाकाल राजा की जय, हर हर महादेव। सामने महामाई का मंदिर भी स्थापित है, ये मंदिर में दर्शन करते हैं माता जी के। और इसके बाद हम चलेंगे आगे गौशाला की ओर। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गौशाला भी है और कई प्रकार की गायें भी हैं वहाँ पर। तो आइए हम चलते हैं गौशाला की ओर, दर्शन करते हैं गौ माता के। ये देखिए काफ़ी सुंदर गौशाला बनी हुई है यहाँ पर, और बहुत सारी गायें यहाँ पर है जिनकी यहाँ पर सेवा होती है। और गौशाला में दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे और दर्शन करेंगे यहाँ की सिद्ध और विश्व की एकमात्र हनुमान जी की प्रतिमा, जिनके हाथों में शिवलिंग है, उनके दर्शन करेंगे हम। आइए चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। काफ़ी भव्य और बहुत ही सुंदर मूर्त है बाबा की। ये देखिए सामने हनुमान जी जो कि खड़े हुए हैं, उनके हाथों में शिवलिंग स्थापित है। बाबा ओकलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। कहा जाता है जब यहाँ के जो पुजारी जिनके द्वारा इस जीर्ण शीर्ण मंदिर को पुनः स्थापित किया गया और इसकी शोभा बढ़ाई गई, दिवंगत संत श्री ओमकार दास जी महाराज जब उन्होंने अपने देह को त्यागा, तब बाबा की मूरत उनकी आँखों से 4 घंटे तक लगातार अश्रुधारा बहती रही, जो कि आसपास के लोगों ने भी देखा और इसके बारे में कई सुर्खियों में भी सुना कि यहाँ पर बाबा की आँखों से अश्रुधारा बही थी। ये है